से स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। आज दिन होगा भी मंडे का और शाम के चाय बज चुके हैं। यहाँ पे मैंने खाना बनाने की कर दी हुई तैयारी और आज चाय डाल रखी है। देखो अभी आंखों में फैल गई, पता नहीं कभी कभार डाला करूं और अच्छा भी लग गया। वैसे तो फेस पर अलग अलग सा दिखाई दे रहा है पर फैल जा रहा है और बारिश अंधेरा हो रखा है। इतनी जोर तो बारिश हो रही है, बस पूछो ही मत ना कितनी बारिश हुई है आज, तो सब कुछ डुबो कर बर्बाद कर दिया। क्या करे भाई, बस सारी फसल जो तैयार हो रखी थी सारी का मैंने मेट कर दिया है। तो भी अभी यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख रखे हैं और यहाँ पर दूध गर्म होने लग रहा है और ये यहाँ पे बूंदी भी गोकर रख दी है। अभी बनाऊंगी सब्जी पूरी और हलवा और बूंदी का रायता। भाई आज ये घर पर है तो इनकी ये फरमाइश है कि भाई आज मेरे लिए ये खाना बना दे, वो बेसन का हलवा चाहिए और सब्जी पूरी लियो। चलो भाई सब्जी तो वैसे भी बनानी ही थी और सब रोटी भी बनानी थी, बस रायता और ये हलवा होगा एक्स्ट्रा। सुबह बनाई थी आलू गोभी और मटर, तो बस बॉयल हो गया आलू। अब मिक्सी में पीस लेती हूँ, मसाला वगैरह सारी चीजें रेडी कर लेती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो भाई आपके कमेंट बहुत ही अच्छे लगे हैं, दिल खुश हो जा रहा है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट कर देती हूँ, पहले मसाला पीस लेती हूँ। मिक्सी के जार में डाल रखी है हरी मिर्ची और टमाटर, इनका पेस्ट बना लेती हूँ। मेरे पास एक चॉपर था तो वो मैं लेके आई थी भी सदर मार्केट से, वहाँ तक वो मिल गया था 100 रुपये का। और वैसे अगर अपनी लोकल मार्केट से लेके आवा तो वो 300-325 रुपये का मिल रहा था और कंपनी का था और वहाँ से मिल रहा था भी लोकल, पर वो मेरा ख़राब हो चुका, उसकी डोरी सी निकल गई थी। उसमें बहुत ही आराम से काम हो जाए था, बार बार मिक्सी उठाने की ज़रूरत नहीं थी और एकदम बारीक बारीक सा जहाँ हरी मिर्ची हो, टमाटर हो, प्याज हो या फिर गोभी वगैरह कुछ भी हो, अच्छे से हो जाती थी भी उसके अंदर चॉप। तो यहाँ पर आलू भी उबल चुके हैं, अब इनको भी निकाल कर और थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, फिर इन्हें छील दूँगी। और अभी मैं रायता बना रही हूँ, यहाँ पे जो बूंदी थी वो निकाल दी है, हल्के से गुनगुने पानी में भिगो रखी थी और उसमें भिगोने के बाद ही हो जाती भी सॉफ्ट। और अब ये निकाल कर और दही और लस्सी थी उसमें भिगो कर रख दी है, चाट मसाला, रायता मसाला, नमक वगैरह डाल के। और बाद में इसमें हरी मिर्ची का और लहसुन का पेस्ट और बना कर डाल दूँगी। और ये अब यहाँ पे मैं हरी वो टमाटर और मटर जो ये हैं इनका छोक लगा देती हूँ भी। मटर साथ में ही वो नहीं पक पाऊँगी क्योंकि आलू तो पहले ही उबल रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने छोक लगा दिया है। धीरे धीरे ये पकती रहेंगी, तब तक मैं आलू वगैरह भी छील लूँगी और बाकी का काम भी निपटा लूँगी, आटा वगैरह भी गूँध लूँगी। ये यहाँ पर 1 किलो मटर लेकर रख रखी थी पहले ही छील कर और फ्रिज में इस बॉक्स में भर कर रख देती हूँ। और इस तरह के बॉक्स में हरी मिर्ची रख देती हूँ, एकदम ताज़ी ताज़ी रहती हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये मैंने डाल कर टमाटर का और उसका पेस्ट बनने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं ये आलू हैं भी इनको छील लेती हूँ, गर्मा गर्म आलू है एकदम से। और बहुत दिनों के बाद आज ये घर पर रहे हैं तो फिर एक बार इन्हें बोला तो भी अब बनाना तो पड़ेगा। और फिर ये मेरी क्लिप तो भी काफ़ी टाइम पे लेकी है, नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले की है ये वीडियो, पर एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले थे, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई आज अपनी पूरी दावत कर लेते हैं, फिर कई दिन तक भाई नवरात्रि हैं तो कुछ ऐसा खाने पीने का नहीं होगा। तो फिर मैंने आज बना ली और मौसम भी अच्छा हो रखा था भाई हमारे लिए, हम ये मान ले कि भी खाने पीने के लिए तो अच्छा है पर वैसे तो बहुत सारा नुकसान कर दिया इस अच्छे मौसम ने बिना बात का। तो ये देखिए अब हमारी मटर टमाटर ये पक चुके हैं और अब इसमें बस मैं मिक्स कर देती हूँ आलू और इसी तरह सिंपल से इसी तरीके से बनावा तो भी इसमें पनीर ऐड कर देवें तो पनीर की सब्जी हो जाती है। अगर एक बार किसी को खाना बनाना आ गया तो फिर वो कुछ ना कुछ बना ही देवे है और अच्छा भी लगा है। तो अब इसमें आलू मिक्स कर देती हूँ और ये हमारी सब्जी तो हो गई भी रेडी और काफ़ी देर का रख रखा है दूध और दूध आ रहा है बिल्कुल ऊपर निकलने के लिए और मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पर था। तो ये देखो बिल्कुल निकलने वाला था यहाँ पर दूध और फिर मैंने अभी बंद कर दिया और ये यहाँ पे हो गई हमारी सब्जी रेडी।
तो अब कर लेते हैं हलवा बनाने की तैयारी। ये ले रखा है आटा, बेसन और सूजी। ये बेसन डाल दिया, इससे पहले सूजी डाल रखी थी और थोड़ा सा इसमें आटा डाल लिया। तीनों चीज़ों का मिक्स करके फिर मैंने हलवा बनाया। और जो हलवा बना वही एकदम जिस तरह का हम भंडारे में खाते हैं ना, बिल्कुल इतना टेस्टी। और अगर थोड़ी से उसमें बनावा है ना तो अच्छा बना है, अगर ढेर सारा बनावा फिर कोई नहीं खाता। यूं ही रखा रहा है 2-3 दिन तक, तो थोड़ा सा बनाया, झटपट सब ने साफ़ कर दिया। ये पूरियों के लिए आटा भी गोल लिया है, अजवाइन डाल के इसमें थोड़ी सी। और अब यहाँ पर स्टार्ट कर दी है मैंने पूरियाँ तलनी। और भाई इस कढ़ाई की ऐसी हालत हो रखी है, पूरियाँ तल तल कर बिल्कुल जल भुन रखी है। और ये हो चुकी है हमारी यहाँ पर पूरी भी तैयार। तो अब फटाफट से लगा लेते हैं अपनी थाली। और टाइम हो रखा है 8 बज चुके हैं और साथ में ही मैं अपने लीड लगा कर और म्यूजिक भी सुनने लग रही हूँ। और ये पापा बेटे क्या कह रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी इनकी सुनाई नहीं देती, ये क्या कह रहे क्या नहीं। और भाई वीडियो बनाते टाइम तो मेरे को अपना फ़ोन करना पड़ता है बंद। तो अब बस हमारा खाना पीना हो गया है रेडी, तो अब लगा लेते हैं फटाफट से अपनी प्लेट। और ये मेरा वॉलपेपर आप देख ही रहे होगे कितना ख़राब हो चुका है, यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। पहले वाला ही अच्छा था, बस चेंज कर लिया और ये अच्छे से चिपक नहीं पाया क्योंकि मैंने पूरी दीवार ख़राब कर दी थी। और ये हो चुकी हमारी थाली यहाँ पे रेडी, हलवा है, सब्जी है, पूरी है, रायता है और सलाद भी अभी दक्ष लेके आ रहा है, तो अभी खा लेते हैं। और बारिश ने पूरा ही घर भी गो कर रख रखा है, पानी पानी हो रखा है, तेज हवा है और बारिश है। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।